पूरी की पूरी बाल्टी पियोगे क्या? ए हफ्सी, पूरा का पूरा बाल्टी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। तो आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। देख रहे होगे सो के उठ गए हैं बैठे हुए हैं। तो मैं आया था नीचे चाय विशाब करने, होते मम्मी ने बोला कि चाय बना के दे दें क्या, तो मैंने कहा सही है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही घंटे सोए, फिर सर में जख्म होने लगा मम्मी, पूरा ऐसे से पकड़ में रहा देखो। तो अभी मैं जैसे मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, पहले सिर्फ चाय और ये सनफीस बिस्किट ही मैं खाता था। तो जब कुछ नहीं मिलता तो यही मम्मी दे देती है, तो बचपन से खा रहा हूँ। जैसे मैंने आप सबको बता चुका हूँ, 5 रुपये का आता है सिर्फ ये, ठीक है, 5 पेनी। मैं केस और कंप्लेन करना चाहता हूँ सनफीस्ट के ऊपर। एक आपने ये बिस्किट में थोड़ा सा ये हिस्सा मैंने फाड़ा है, ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा ये वाइट वाइट है, और ये देखिए इसका ये एक, इसमें से एक जो बिस्किट है इसका साइज़ कम है, दिख रहा होगा आपको, एक का साइज़ क्यों कम है। चलिए मैं निकालता हूँ, आप कहेंगे कि टूटा हुआ है इस वजह से, ठीक है मैं मान गया, देख लीजिए टूटा हुआ है, ठीक है टूटा हुआ है। तो इसका दूसरा कहाँ है, टुकड़ा किधर है, टूटा हुआ है तो टुकड़ा है किधर इसका। तो ये सब छोटी मोटी बारीकियाँ हैं जो आप लोग को नहीं पता, कभी कभी हमें भी नहीं पता होती हैं। तो 2 दिन से मैं सही से व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि का रीज़न बस ये है कि मेरे घर में कुछ अनवांटेड लोग आ गए हैं, जो बिना बताए आ गए हैं, उनके चक्कर में उठना बैठना टाइम इधर उधर हो जा रहा है। अच्छे लोग हैं लेकिन वो बिना बताया गए बिना बताया कोई भी आ जाए घर में, अगर वो अच्छे लोग हैं तब क्या कर सकते हो आप, बर्बाद हो जाते हैं फिर। तो गाइस आज जुमा है, नहा लिया मैंने, पैजामे में नारा ही नीले पड़ा हुआ। अब पैजामे में नारा नहीं है तो फिर मैं करता हूँ काम, हाफ पैंट पहन के चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, लुंगी सबकी इज्जत रखे लुंगी। यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी को वेल्डिंग करवाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि इसको वेल्डिंग कराना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि मम्मी का पूरा जंपर फट गया था इससे, और मैं इसको पकड़ा हूँ। अच्छा मैं उधर देख रहा था तो मुझे पता नहीं था कि आग निकल रही है इसमें से, लेकिन मुझे लग नहीं रही थी। खैर भाई ने पूरा का पूरा वेल्डिंग करके एकदम आग बबूला लाल कर दिया, लेकिन टोटल कितने रुपये लिए होंगे बताओ, सोचो कितने रुपये लिए होंगे, जल्दी बताओ। इन्होंने लिए सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने वेल्डिंग करवा लिया है, आया हूँ मैं डॉक्टर के, आया था क्यों आया था किस लिए आया था वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं चमनगंज, देखिए रिकॉर्ड हो रहे कि नहीं, फिर जाके जहाँ पे बाल कटवाया था जिसकी बात बता रहे थे पिछले ब्लॉग में, तो वहाँ जाके थोड़ा सा देखते हैं बाल इधर उधर हुआ है, थोड़ा उसको बराबर करवा लिया जाए। पंडूरा तो गाइस वहीं 2.5 महीने बाद हम लोग उसी दुकान पे आ गए हैं, इसको बार बार शॉप बोलेंगे। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बचपन में मैं यहाँ पे शाहरुख खान के पीछे से जैसे बाल रहते थे ना वैसे कटवाने आया करता था। ये तो फुरकान बैठा हुआ है, अब इसके बाल में बहुत ड्राइनेस है, अब ये ऐसा जादू और ऐसा करिश्मा करते हैं इसके बाल में कि पूरा बाल इसका सिल्की हो जाता है। सबसे पहले ये झाड़िया वाली दाढ़ी कटवानी बहुत ज़रूरी थी जो इधर उधर से फैल रही थी, लेकिन भाई ने एकदम ज़बरदस्त तरीके से काटा। ये जो बंदा इनका काट रहा है वो झाड़िया आती तो झाड़िया लगेगा। तो वेट करते करते मगरिब का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि आस पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ लिया जाए, तो एकदम पास नज़दीक में मस्जिद यही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे नमाज़ पढ़ लिया जाए। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि चप्पल कहाँ पे रखें, तो मैंने चप्पल एक महफूज जगह पे छुपा कर रख दी, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे नमाज़ पढ़ के, कुछ बातें हैं लेकिन मैं इधर बोल नहीं सकता। और फिर यहाँ मैंने चप्पल छुपा कर रखी थी सबसे अच्छी जगह पे, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जाते, फिर मैंने उठाया फिर नीचे से पहन के मैं गया हूँ चप्पल को। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं वापस फिर जा रहा हूँ अपने
बाल को कुछ ना कुछ कराने के लिए, क्योंकि शेव तो करवा चुके थे तो भाई शेव तो नहीं करा सकते थे, लेकिन अब सोचा है कि चला जाए। फिर देखा एक भैया इधर लेटे हुए हैं इत्मीनान से, बस ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए, इतनी सुकून वाली, समझ रहे हो। ये जो भाई हैं जिनके कम बाल हैं, ये मेरे बाल को बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से। मतलब इनसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है, पिछली बार तो इन्होंने ऐसा कर दिया था, लेकिन खैर ये देखिए मेरे 13 नाम लोग इन्होंने बनाया है और बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। मुझे खुद को देख के हंसी आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको थंबनेल अपना बना लूँ। इधर आधे भाई नहीं है, आधे भाई हैं आधे। पता नहीं भाई को क्या हो गया यार, पीछे वाला भाई एकदम चुपचाप एकदम सदमे में बैठ के काट रहा है। वो ना हंसेगा ना बोलेगा ना गुस्सा करेगा, और एक टाइम था वो बहुत बोलता था भाई, ये बहुत बोलता था, हंसी मजाक इतना ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसको, एकदम चुप रहता है, अपना काम करता है, फिर नमाज़ पढ़ने चले जाता है, फिर अपना काम करता है। लेकिन जो भी है बंदा अच्छा है, स्ट्रेट बाल काटता है, ज़बरदस्त बाल काटता है, और जैसा आप बताओगे वैसा काट देता है। लेकिन हर एक बार्बर का अपना एक स्टाइल होता है, इन लोगों का स्टाइल ये है कि ऊंचा नीचा बाल काट के रखेंगे और दांत वाली कैंची लगा के उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत देर तक बाल काटते मैंने बोला था ये निकला फिर पीछे से एकदम बराबर ऊंचा नीचा, तो ये इनकी स्पेशलिटी है। खैर फिर मैंने कहा कि थोड़ा मुँह में भी मेरे लगा दो, छिला हुआ अंडा तो लग ही रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो मुँह में भी थोड़ा सा साफ करा दिया जाए, जब चिकना इतना हो गया है तो। फिर इन्होंने पूरा रगड़ा, एकदम इतना तेज़ लग रहा था मेरे मुँह पे, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, आराम आराम से रगड़ा पूरे मुँह के अंदर घुस रहा था। फिर उन्होंने तौलिए से एकदम पोछा, फिर एकदम चिको लाइट में एकदम सामने से। पता नहीं इन्होंने जब हेयरबैंड लगा दिया था तो ये पिंक वाला मेरे सर पर क्यों लगाया था, मुझे समझ ही में नहीं आया। ये हल्का सा जो उसमें मुँह पर लगाया ना मेरे, बड़ा खुशबू थी यार इसमें। खैर फिर इसको लगा के धो दिया, फाइनली जाके मेरा बाल और मेरा थोड़ा सा मुंह क्लीन हो गया है और साफ़ हो गया है। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ठीक है इतने बाल सही हैं कि और भी बड़े किए जा सकते हैं, आप बताओ। आय हाय 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 ठीक है, अगर बाल अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताना, बड़े बाल छोटे बाल या मीडियम जिस तरह से हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बिरयानी खाने। गाइस तो बाल वाल एकदम कट गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अबे गाड़ी है बंद, बाहर कैसे निकालोगे, जाओ। अब जा रहे हैं बिरयानी खाने, अब भूख लग रही है वैसे, अबे हमें लग नहीं रहा तुम निकाल पाओगे फुरकान। अबे ये कहाँ पे घुसर दिया भाई कसम, अरे देख लो देख के देख, ये मेरे मालिक अल्लाह रे। घुसड़ी का है ना था, लाल लाल सूट पहन के जा रही थी, लाल है हमें जाना प्यार क्या है दिल ने माना। अब हमें खाना तो नहीं चाहिए वैसे सब, लेकिन भूख भी तो लगी है। क्या हो गया फुरकान, लग गई क्या भाई? ये है जबरदस्त बिरयानी की दुकान, अगर आपके पास पैसे हो तो खरीद के खाएं, अगर ना हो तो मांग के खाएं, लेकिन खाएं जरूर। अरे मेरी गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, सीधे यहाँ के डेगी पलट दी गई है। पूरी की पूरी बाल्टी पियोगे क्या ए हफ्सी, पूरे का पूरा बाल्टी पिएगा। ये आपकी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, कसौल बताएंगे वीडियो बनवाना अच्छे से, व्लॉग व्लॉग खूब ज़्यादा बता के अपना, जैसे फैजान बता रहा था कि यहाँ पे ये रास्ता यहाँ जाता है वहाँ जाता है, घाट में पता था नहीं। तुम एक्सपीरियंस वाले हो ना? नहीं, तुम्हारे अंदर की आग निकालेंगे व्लॉगिंग की जब तुम चलोगे ना। गाइज अभी हम लोग नेक्स्ट होने वाला है ट्रिप मनाली का या कसौल का, तो अभी तीन लोग जाएंगे, एक अयूब एक्स्ट्रा बस, तो वहाँ पे व्लॉग में आप लोग ये दो चेहरे देख रहे हो, ये देखोगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत मज़ा आएगी। तुम्हारी बोलती उस समय खुलनी चाहिए, बोलोगे देखो इतना व्लॉग बनाना था एक वीडियो नहीं बना पाए सही से, वहाँ पर इनकी प्रैक्टिस होगी। अबे वहाँ आज ट्रेन कर देंगे तुम्हें, हाँ। वही लेके सऊदी चले जाना, सऊदी में बनाना। अबे हाँ यार सऊदी में दिला दो यार।
हाँ तो भाई यहाँ पे हम लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, कार्ड्स हम लोग आज से नहीं बहुत साल पहले से मतलब 2008-09 से खेल रहे हैं, और कोई एक रुपये भी पैसा लगा के नहीं खेल रहा है तो इसको जुआ मत समझना। कार्ड का गेम बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, इस वजह से हम लोग खेलते हैं जब भी मिलते हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं गाइज। हाँ मैंने चश्मा पहना हुआ, ऐसे मैंने मेरा मन किया कि मैं ऐसे ही चश्मा पहन के इस व्लॉग को एंड कर दूँ। तो इस व्लॉग में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, क्या क्या देखा मैं तो भूल गया। तो अभी फिलहाल एडिट करके मैंने इस व्लॉग को जा रहा हूँ अपलोड करने। अब अपलोड होने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि 4K की सारी वीडियोस होती हैं। मैं चाहूँ तो 1080p पे और 30fps पे कर दूँ, वो जल्दी जल्दी हो भी जाता है, रेंडर भी हो जाता है और जल्दी जल्दी अपलोड भी हो जाता है, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता है मुझे अपनी बड़ी स्क्रीन में देखने में, एक एक डिटेल देखने में जो मज़ा आती है फिर उसकी तो बात ही अलग है। तो खैर मैं इस व्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मेरे लिए दुआ करते रहना, और हम भी आप सभी लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे। अगर मेरे जो जो मैंने पूछा इस व्लॉग में आपको कमेंट्स में कौन, हाँ तो अगर इस व्लॉग को कट करना पड़ गया था क्योंकि बाहर कोई आ गया था, ये पार्षद का चुनाव हो रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से वोट मांग रहा है। तो अब हम लोग को चुनना है कि हम लोग को क्या करना है। ये आम आदमी पार्टी से वार्ड 8 से सुयोग्य शिक्षित संघर्षशील कर्मठ एवं जुझारू पार्षद प्रत्याशी चुनाव चिन्ह है झाड़ू, और अरुणा मंसूरी हैं और पत्नी मोहम्मद शाहिद छुटकाऊ इनका नाम है, और तो अपनी जगह से ये हैं, तो इंशाल्लाह इनको वोट दिया जाएगा। तो हम इस व्लॉग को एंड कर रहे थे। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और दुआ हुआ करते रहना यार, और मेरी व्लॉग को जितना प्यार दे रहे हो बस इसी तरीके से प्यार चाहिए और थोड़ा वो शेयर चाहिए, और जो भी तुम्हें पसंद आए या ना भी आए, गलत भी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, मैं अपने वीडियो में सुधार करूँगा उस चीज़ का। बहुत लोग को मेरा ये चिकना होना अच्छा नहीं लगा, तो मैं आइंदा ख्याल रखूँगा, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा के रखूँगा। बहुत लोगों को मेरा मोटा मोटा मुँह, मोटा मोटा बदन, हाथ अच्छा नहीं लगता है, हालांकि उतना है नहीं लेकिन फिर भी नहीं लगता, तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूँगा। आप जैसा बताओगे वैसा पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सिर्फ आप लोग के लिए व्लॉग बन रहा है और पैसा कमाने के लिए व्लॉग बन रहा है। बाय।